सिविल सेवा की तैयारियों में साथ रहे, मित्रों की दोस्ती की मिसाल बने अलवर शहर के समीप स्थित राजकीय प्राथमिक स्कूल दलालपुर के नवनिर्मित और रिनोवेटेड किए गए भवन का लोकार्पण रविवार को किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारतीय राजस्व सेवा के वरिष्ठ अधिकारी और अपर आयुक्त इनकम टैक्स नई दिल्ली डॉक्टर धीरज जैन थे। NRI राजा वैराष्टक, NRI इंजीनियर भूपेंद्र सिंह चौहान, जोगेंद्र सिंह चौहान, अनुराग जैन कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि थे। इस अवसर पर कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर धीरज जैन ने कहा कि जब भी पुराने दोस्त मिलते हैं तो घूमने फिरने मौज मस्ती की बातें करते हैं, लेकिन उनकी मित्र मंडली अक्सर सामाजिक सरोकार और सामाजिक सुधार पर चर्चा करती है। ऐसे में जब मित्र मंडल के समक्ष दलालपुर स्कूल रिनोवेशन की बात रखी गई तो सभी मित्रों ने सहज स्वीकार कर लिया और परिणाम आज अभी सभी के सामने है। मित्र मंडली के सहयोग से सरकारी स्कूल का रिनोवेशन, स्टाफ व बच्चों को जरूरी भवन व संसाधन उपलब्ध कराना एक मिसाल से कम नहीं है। विद्यालय का यह भवन निश्चित रूप से सभी मित्रों और मित्र मंडलियों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहेगा। महाकाव्य रामायण का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि हनुमान जी को जब उनकी शक्ति याद दिलाई गई तो वे समुद्र लांघ गए थे। शिक्षकों से उन्होंने कहा कि बच्चों को भी उनकी शक्ति याद दिलाए ताकि वे संसार रूपी समुद्र को सफलता की छलांग लगाकर लांघ सके। प्रवासी भारतीय राजा वैराष्टक ने कहा कि बच्चों में वो शक्ति है जो किसी भी समस्या का समाधान खोज सकती है, प्रेरणा बन सकती है, इसलिए बच्चों के संपूर्ण विकास पर ध्यान दिया जाना जरूरी है। प्रवासी भारतीय भूपेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि सरकारी स्कूल के बच्चे इतिहास गढ़ने में निजी स्कूलों से पीछे नहीं है, बस वक्त रहते संसाधन उपलब्ध कराने और उनका हुनर तराशने की जरूरत है। इस काम में स्कूल के स्टाफ के साथ समाज का भी पूर्ण सहयोग जरूरी है। इससे पहले सभी अतिथियों ने फीता काटकर स्कूल का लोकार्पण किया। कार्यक्रम का संचालन विमल जैन ने किया। इस अवसर पर पंचायत समिति सदस्य सुरेंद्र यादव, CA श्री किशन गुप्ता, CBEO मधु भार्गव, संस्था प्रधान सीमा यादव, योगिता कौशिक सहित काफी संख्या में ग्रामीण और स्कूल के बच्चे मौजूद थे। स्कूल के रिनोवेशन, स्कूल में जरूरी संसाधन जुटाने के बाद इस अवसर पर बच्चों को स्कूल बैग व शैक्षणिक सामग्री का वितरण भी किया गया, जिसमें बच्चों की पढ़ाई में किसी भी तरीके का व्यवधान न आए। ग्रीन इनिशिएटिव का शुभारंभ लोकार्पण समारोह के बाद सभी अतिथियों ने अशोका फाउंडेशन के ग्रीन इनिशिएटिव अभियान का शुभारंभ भी स्कूल में पौधारोपण करके किया। इस अवसर पर स्कूल परिसर में पौधे रोपे गए एवं मौजूद सभी ग्रामीणों को बरसात के मौसम में पौधारोपण व पौधों के पालन पोषण का संकल्प भी दिलाया गया। के जुड़ाव की कहानी है इस प्राथमिक विद्यालय दलालपुर। आप लोग भी याद करेंगे कि एक ऐसी मित्र मंडली थी, ऐसे 5-10 लोग थे जो है आए थे, जिन्होंने स्कूल को देखा था और स्कूल में सुधार के कार्यक्रम किए। जब भी दलालपुर स्कूल का जिक्र आएगा तो ये किसी एक व्यक्ति या किसी अधिकारी की भावनाओं का वर्णन नहीं, वरन एक मित्रों के समूह का, एक मित्रों की जोड़ी का कि किस प्रकार से काम करती है उसकी याद आए।